जिला महिला चिकित्सालय में उस समय हड़कंप मच गया जब बिना नंबर के मरीज को अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर भेज दिया गया। लाइन में लगी खड़ी महिला मरीजों ने जमकर बवाल काटा। स्थिति को बिगड़ते देख अस्पताल के कर्मचारियों ने 100 नंबर पर सूचना दे दी। मौके पर पहुंची डायल 100 और नगर निगम चौकी की पुलिस ने सबको समझा बुझाकर शांत कराया। आपको बता दें, मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे 100 शैया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई गोरखपुर में स्थित अल्ट्रासाउंड कक्ष में मरीज और कर्मचारियों में बवाल हो गया। मरीजों ने मौजूद कर्मचारी पर पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड कराने का आरोप लगाया। वहीं मरीजों ने बाद में आए मरीजों को टोकन देकर अंदर भेजने का भी आरोप लगाया और जमकर बवाल काटा। इस संबंध में जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। टोकन को लेकर आए दिन बवाल होता है, जिनको टोकन नहीं मिल पाता वह झूठा आरोप लगाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वार्ड बॉय सत्य प्रकाश पांडे और जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, सत्यप्रकाश पांडे जी, हम तो वार्ड बॉय है सर, यहाँ पर कुछ विवाद नहीं हुआ सर, थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो गया था तो सबको सीरियल से एक आदमी को टोकन दिया जा रहा था, फिर टोकन वाइज अंदर भेज के अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा था सर, भीड़ ज़्यादा हो गया था और कोई विवाद नहीं है सर। ऐसा नहीं है सर, उसमें कुछ इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं जिसका तुरंत डिले आवश्यक होता है ऑपरेशन, चाहे मान लीजिए सीजर करना है तो उसको तुरंत वरीयता क्रम में अंदर ले जाके उसका सीजर करना वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है सर। हाँ, उसमें एक मरीज का जो कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई थी, उस मरीज को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, तो डॉक्टर ने उनको कपड़े से मुँह ढकने के लिए कहा था, जिसको कि उस मरीज ने बुरा माना और बाहर आकर के अपने परिजनों से बताया कि बहुत ज़्यादा हम कोई गंदे हैं, हम कोई ऐसे हैं, इसलिए हमसे इस तरह से बर्ताव हुआ। इस पर मरीज के परिजनों ने अंदर अल्ट्रासाउंड कक्ष में घुसे और उन लोगों ने वहाँ अभद्रता की, जिस पर कि डॉक्टर ने पुलिस कर को बुलाया, तब जा कर के मामला शांत हो गया। टोकन लेके तो रोज ही बवाल होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने हर कक्ष का एक लिमिटेड टोकन बांटता है, जिनको टोकन नहीं मिलता है वो इस तरह की बातें करते हैं।